10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखना कैसा है? इसके हवाले से अर्ज़ यह है कि 10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये रोज़ा रखना चाहिए, जिससे हो सके वो ये रोज़ा रखे कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। पहली बात तो यह है कि हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूद इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किस लिए रोज़ा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी कौम को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से इस दिन नजात अता फरमाई थी, इस नजात के शुक्राने में हम लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हम मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हैं कि ये उनकी पैरवी करें और शुक्राने में रोज़ा रखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा रखा और बाकियों ने भी, सहाबा ने भी रोज़ा रखा। इस और जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी साल था तो आपने इरशाद फरमाया कि हम जो है वो इस साल 10 का रोज़ा रख रहे हैं, अगले साल इंशाल्लाह हम 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे, 11 का या 9 का रोज़ा मिलाकर रखेंगे ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा जाए और साथ 9 मुहर्रम का शामिल कर लिया जाए या 11 का शामिल कर लिया जाए ताकि सिर्फ एक रोज़ा ना रहो, दो हो। अगर एक ही रोज़ा रखे तो भी गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसके साथ 9 या 11 का रोज़ा मिला लिया जाए ताकि बेहतर हो। दूसरा कि रवायत के अंदर आता है कि मुहर्रम 10 मुहर्रम का रोज़ा रमज़ान और मुबारक की फर्जियत से पहले फ़र्ज़ था, ये रोज़ा रखा जाता था। जब रमज़ान और मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो फिर 10 मुहर्रम के रोज़े की फर्जियत मनसूख हो गई। तो अब इस तौर पर भी इस रोज़े की बड़ी फजीलत है, तो इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, रोज़ा रख सकते हैं, उनको चाहिए कि इस दिन का रोज़ा रखें। इंशाअल्लाह इस दिन की बरकात भी नसीब होंगी और इस दिन के साथ जिन जिन का ताल्लुक़ है, जैसे इस्लाम के अंदर जो है वो इमाम हुसैन और आपके रफ़क़ा को कर्बोबला के अंदर 10 मुहर्रम अल हराम के दिन ज़ुल्मन नाहक शहीद किया गया, कत्ल किया गया, और इससे पहले अगर देखा जाए तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी दिन के अंदर हुई, हज़रत आदम की तौबा इसी दिन के अंदर कबूल हुई, और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से जो नजात मिली वो इसी दिन के अंदर मिली, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को जो फिरौन से नजात मिली तो वो इसी दिन के अंदर मिली, हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई 10 मुहर्रम अल हराम के दिन के अंदर नसीब हुई, हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा इसी दिन के अंदर मिली, और भी बहुत सारे वाकयात हैं कि जिनका ताल्लुक इस दिन के साथ है। तो इस दिन के रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह इस दिन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गान दीन के का फैज़ान भी मिलेगा। तो कोशिश करके इस दिन का रोज़ा ख़ुद भी रखा जाए और अपने अहलो आयाल को भी रोज़ा रखने की तलकीन की जाए।